जय हिंद। शेयर बाज़ार में जो सबसे कठिन काम होता है वो होता है एक मल्टीपल स्टॉक की पहचान करना और उसमें लंबी अवधि तक बने रहना। जो निवेशक ये दोनों काम कर लेते हैं वो निश्चित ही बाज़ार से मोटा पैसा कमाते हैं। 2021 में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को शानदार कमाई कराई है। टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने भी जोरदार रिटर्न दिया है। इसी में से एक है टाटा टेली सर्विसेज। यह टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और इसने निवेशकों को कमाई कराने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज यह इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। इसकी शुरुआत 1996 ईस्वी में रतन टाटा जी ने किया था। अब इसकी बात करते हैं शेयर प्राइस की। इसका अभी वर्तमान शेयर प्राइस है 226 रुपया, जबकि आप देखेंगे सिर्फ 6 माह पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 25 रुपया हुआ करता था, 25 से 30 रुपये के आसपास। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 8 रुपया हुआ करता था। वहीं अगर रिटर्न की बात करें तो एक माह में इस कंपनी ने 58% का शानदार रिटर्न दिया है, सिर्फ एक माह में। अगर 6 माह में बात करें, 6 माह में इस कंपनी ने 320% का रिटर्न दिया है। और अगर वहीं एक साल में कितना रिटर्न दिया उसकी बात करें तो आप देखेंगे एक साल में इस कंपनी ने 2600% का शानदार रिटर्न दिया है। अब आपको बताते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से कि अगर इस व्यक्ति ने इसमें एक माह पहले और 6 माह पहले तो साल भर पहले 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो बढ़कर अब तक कितने हो चुके होते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने इसमें एक माह पहले, सिर्फ एक माह पहले 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो अब तक 1,58,000 रुपये हो चुके होते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर इसमें 6 माह पहले 1,00,000 रुपये लगाए होते तो 4,20,000 रुपये हो चुके होते हैं, सिर्फ 6 माह पहले। और अगर किसी व्यक्ति ने साल भर पहले इसमें 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो अब तक 26,00,000 रुपये हो चुके होते सिर्फ साल भर। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शेयर बाज़ार में एक सही स्टॉक का चुनाव करना कितना ज़रूरी होता है। आइए मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। इस कंपनी का जो रिटर्न और शेयर परफॉर्मेंस है जो दूसरी इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं उससे काफ़ी बेहतर है। ये आंकड़े देखकर आपको समझ में आ रहे होंगे। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एयरटेल और रिलायंस दो इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियाँ हैं। अब देखिए, एयरटेल ने साल भर में 36.29% का रिटर्न दिया है, सिर्फ 36% का आसपास रिटर्न दिया है। अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में भी, ठीक ठाक स्मॉल कैप कंपनी में 1,00,000 रुपये निवेश कर दिए होते हैं तो साल भर में इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिया होता। वहीं अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ 102% का रिटर्न दिया है एक साल में। 100% का रिटर्न भी कोई खास नहीं है साल भर में। आप इस साल 2021 में आप देखे होंगे कई ऐसे स्मॉल कैप कंपनियां हैं या मिड कैप कंपनी भी जो बेहद कम समय में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शेयर बाज़ार में मोटा पैसा कमाना है तो एक मल्टीपल स्टॉक की पहचान करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से जुड़ी हुई तमाम कंपनियां आपके सामने लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।